तो गाइस आज आप बीच में आवाज़ सुनते रहोगे तो वो आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि हम लाइव भी हो रहे हैं। तो जितना भी आज हम कैंपिंग करने वाले हैं वो लाइव पे भी दिखा रहे हैं हम। गाइस लकड़ी फेंकी मैंने सूखी पर बाउंस होने के बाद वो कैमरा पे जाके लगी गोप्रो पे और गोप्रो नीचे, बट लकड़ी सेफ है गाइस, नहीं तो आज बड़ा मोटा नुकसान कर लेता अपना मैं। चिकन लेके आए हैं 4 केजेस, तो आधे को रोस्ट करेंगे और आधे को प्रॉपरली कुक करेंगे। जैसा मैंने लास्ट अपने कैंपिंग वीडियो में रोस्टिंग करी थी, तो पहला काम तो हम सेम वही करने वाले हैं। सो इस बार एक्स्ट्रा चीज़ें डाल रहा हूँ मैं, ग्रीन चिली और लाइम और लेमन, कुछ भी कह सकते हो, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। और निखिल जो स्माइल करते हुए, कुछ तो बात आई उसके दिमाग में, निखिल क्या हुआ? जरूरत के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्ट डालो, तो जरूरत के अकॉर्डिंग जो है वैसे ही एज यूजुअल मसाला, तंदूरी चिकन मसाला डाल रहा हूँ उसमें, तो जितना ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑयल। सो गाइस क्रश चिलीज जो है वो भी डाल दिए हैं, तो बस इसको मिक्स करके 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो जो हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं वो उसमें अच्छे से उसको ये एब्जॉर्ब कर ले। गाइस चिकन को इस तरीके से सेक्स में डालो ताकि ये लूज ना रहे, ताकि जब आप इसको रोस्टिंग के टाइम घुमाओ तो ये प्रॉपर ऐसे घूमता रहे। ये इसका एक बड़ा बेसिक तरीका है, अगर लूज़ रहेगा तो फिर जैसे घुमाओगे ना वो खुद ही घूमता रहेगा, पलटता रहेगा। और
साथ में अपने हाथ बचा के, क्योंकि जो सीक्स का जो एंड है ना, ये बहुत तीखा है ये। तो गाइस ये इस तरीके से इनको सीक्स में डाल के बस रोस्टिंग के लिए रेडी है ये। सो गाइस ये दूसरी सीक रेडी हो चुकी है, तो करते हैं रोस्ट यार। चलो गाइस, माइंड जो बड़ी चीज़ों में डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि साथ साथ लाइव भी चल रहा है और वीडियो भी बना रहे हैं, कुकिंग हो रही है। तो चिकन जो है वो रोस्ट हो चुका है, एज यू कैन सी हियर। तो चलो गाइस अभी खाते हैं और फिर अगले की तैयारी करते हैं। तो गाइस फाइनली जो इसके ऊपर नींबू लाइम जो है उसको स्प्रिंकल करते हुए, गाइस रोस्टेड चिकन इतना बढ़िया नहीं बन पाया, थोड़ा सा बीच में कच्चा रह गया था, कच्चा पक्का। सो ठीक है, आधा से ज़्यादा अच्छा पक गया था बढ़िया, बट इतना टेस्टी नहीं लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू लास्ट जो मैंने सोलो कैंपिंग करी थी, उसमें रोस्टेड चिकन बड़ा ही टेस्टी बना हुआ था। बट टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया इसने हमारा, लास्ट टाइम पे 10 मिनट में जो था वो चिकन रेडी हो चुका था। तो फिर क्या किया, जो कच्चा रह गया था आधा कच्चा आधा पक्का वो रह गया है, उसको यूज़ कर लेंगे हम चिकन करी में। तो उसकी तैयारी कर दिए गाइस, तो इसके ऊपर कढ़ाई जो है वो आ जाएगी आराम से, जैसे ये देखिए यहाँ पे। सो गाइस अभी जो है वो डिनर कुक हो रहा है और अंधेरा हो चुका है जैसे आप देख सकते हो, तो फ़ोन की लाइट से जो है वो कुकिंग चल रही है। तो प्याज को भुना जा रहा है और निखिल द शेफ़ जो है हमारे, वो आज हमारा डिनर कुक करने वाले हैं। सो नॉट बैड गाइस। गाइस खाना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, हाँ जैसा आप देख सकते हो कि चिकन जो है वो उबल रहा है। सो हार्डली 10 मिनट्स का काम रह गया, बस खाना रेडी है गाइस। सो गाइस चिकन जो है वो रेडी हो चुका है और राइस जो है वो कुक हो रहे हैं, एज यू कैन सी कि कुकर जो है वो आग के ऊपर चढ़ चुका है। गाइस बड़ी ही सही आग जल चुकी है और राइस जो है वो डन हो चुके हैं, बस अविनाश जो है इसकी स्टीम बाहर निकालते हुए। हाँ परफेक्ट है, सो गाइस राइस जो है वो परफेक्टली कुक हो चुके हैं। दरिया किनारे ठंडी में चिकन राइस और कोल्ड ड्रिंक तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के रखा हुआ हम लोगों ने, चिकन लेग पीस वो कौन सा टिकटों को बंदा है ना, एक चिकन लेग पीस। नाइस नाइस, अभी नहीं गए तो ऐसा करते हैं कि खाना खाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं और बात करते हैं ना। सो गाइस टाइम हो चुका है रात के 8:51 और डिनर फिनिश कर लिया है, बस अभी बॉनफायर का मज़ा ले रहे हैं और बॉनफायर का मज़ा लेने के बाद फिर करेंगे पैकिंग और चल पड़ेंगे घर के लिए। कैसा रहा जाना? बढ़िया एक्सपीरियंस था, अच्छा था ना। बस थोड़ा सा मूड ऑफ किया किसने, रोस्टेड चिकन ने, वो भी क्यों किया, क्योंकि ये तो टाइम बड़ा लिया, आग अच्छे से नहीं जल रही थी उस टाइम पे, और दूसरा प्रॉपरली कुक भी नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से सारा कुछ डिले हो गया। तो निखिल कैसा रहा भाई? बढ़िया रहा, बिल्कुल मज़ा आया कि नहीं? हाँ जी मज़ा आया बिल्कुल, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। हाँ जी, बट सोचा था 6:30 चले जाएंगे। हाँ 6:30-7 का टारगेट था कि हम निकल जाएंगे यहाँ से, तो ठीक है होता है, हमारे बस में कई बार चीज़ें नहीं होती हैं। सो दैट्स ओके, बट एक ही एंड में जो डिनर बना था ना बहुत टेस्टी बना था, उसने जो रोस्टिंग वाली जो कड़बड़ाहट थी वो सारी दूर कर दी उसने। तो गाइस सामान पूरा पैक कर दिया है, तो क्लोजिंग के बाद सिर्फ लास्ट काम रहता है आग को बुझाना। तो निकल डाल दो पानी यार, करो फिनिश और चलते हैं घर। सो गाइस बस आग को बुझा के अभी निकलना है यहाँ से। तो गाइस जब भी कैंपिंग करो, चाहे जंगलों में करो जहाँ भी करो, हमेशा कोशिश करो कि आग को बुझा के आओ,
क्योंकि हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से क्या होता है, कई बार हमें हमारी कैंपिंग या कुछ भी बड़ी भारी पड़ जाती है हमें क्या नेचर को, क्योंकि जंगल को उगाने के लिए सैकड़ों साल लग जाते हैं बट उसको ख़त्म करने के लिए हार्डली एक हफ्ता तक नहीं लगता। आपने रिसेंटली अभी एक केस देखा ऑस्ट्रेलिया का कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से आग लगी हुई थी गाइस, और कितने ही एनिमल्स जो थे वाइल्ड वो बेचारे अपनी लाइफ खो चुके हैं गाइस। तो बस ये चीज़ का ध्यान रखो, बाकी एंजॉय करो अपनी लाइफ को। चलो गाइस इसी नोट पे जो है वो वीडियो को एंड करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव फन, एंजॉय योर लाइफ एंड ऑलवेज वेयर ए गुड क्वालिटी हेलमेट व्हाइल यू गाइस राइड एंड कीप दिस ब्यूटीफुल कंट्री क्लीन गाइस। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को भी नाक से दबाना। सो बेल आइकन को नाक से हिट करना। देखते हैं होगा या नहीं होगा, कमेंट में जरूर लिखना। चलो गाइस बाय, गुड नाइट।